एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। वहीं पर कौवा, कछुआ, हिरण और मूषक यानी चूहा, ये चार मित्र भी रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। शाम को सब एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे। जब चारों मित्र इकट्ठे होते तो बहुत खुश होते और मिलजुल कर गाते थे। जंगल हमें है सबसे प्यारा, जंगल हमें है सबसे प्यारा, हम सब मिलकर रहते, हम सब मिलकर रहते। जो मिलता है बांट के खाते, जो मिलता है बांट के खाते, हम सब मिलकर रहते, हम सब मिलकर रहते। एक दिन शाम को कछुआ, चूहा और कौवा जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। बहुत देर हो गई थी लेकिन हिरन नहीं आया था। तीनों बहुत परेशान हुए। तीनों आपस में बात करने लगे। इतनी देर हो गई, अभी तक हिरन नहीं आया। हाँ हाँ कौवे भाई, देखो तो सूरज डूबने वाला है और अभी तक हिरन आया ही नहीं। हाँ चूहे भाई, मुझे तो हिरन की चिंता हो रही है। उसे कभी इतनी देर नहीं होती है। हाँ हाँ बड़ी चिंता हो रही है कछुए भाई। तुम चिंता ना करो, मैं अभी हिरन को ढूंढ कर लाता हूँ। भैया जल्दी आना, रात होने वाली है। हाँ हाँ चूहे भाई, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। कौवा उड़कर दूर चला गया। तभी कौवे ने देखा दूसरी तरफ एक खेत में जाल लगा है। उस जाल में हिरण फंसा हुआ है। कौवा उड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, अरे हिरन भाई, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कौवे भाई, इस खेत में अच्छी फसल देखकर मुझे लालच आ गया। जैसे ही मैं इसे खाने आया तो इस जाल में फंस गया। अभी खेत का मालिक किसान आकर मुझे पकड़ लेगा। अरे अरे मित्र, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ, वो आकर जाल काट देगा, तुम मुक्त हो जाओगे। सच? हाँ, तो मित्र उसे जल्दी से बुला लाओ, किसान कभी भी आ सकता है। बस मैं अभी गया और चूहे को बुलाकर लाया। कौवे ने वापस आकर चूहे और कछुए को सारी बात बताई।
और जल्दी से हिरण के पास चलने के लिए कहा। चूहे भाई, हमें जल्दी से वहां पहुंचकर हिरण को जाल से निकालना चाहिए, नहीं तो किसान आकर उसे पकड़ लेगा। हाँ कौवे भाई, जल्दी चलो, मैं शीघ्र ही जाल काट दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं कछुए भाई। और क्या, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? एक से दो भले, पता नहीं कब मेरी जरूरत पड़ जाए। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन चूहे भाई, तुम जल्दी करो, कहीं हमें वहाँ पहुँचने में देर न हो जाए। हाँ हाँ कौवे भाई, चलो 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 चलो। तीनों मित्र हिरण के पास चल दिए। कौवा उड़ रहा था और चूहा तेजी से दौड़ता जा रहा था, लेकिन कछुआ वो तो धीरे धीरे चल रहा था। खेत में पहुंचकर चूहे ने जल्दी से हिरण का जाल काट दिया। तीनों मित्र बहुत खुश हुए। तभी किसान आ गया। उसे देख हिरण भाग गया। कौवा उड़कर दूर चला गया और चूहा वहीं खेत में छुप गया। हिरण को ना देख किसान को बहुत गुस्सा आया। तभी जानते हो क्या हुआ? अब तक कछुआ वहां पहुंच गया था। किसान ने उसी को पकड़ लिया और थैले में बंद करके चल दिया। चूहा ये सब देख रहा था। वो भागा भागा कौवे के पास पहुंचा और बोला, कौवे भाई, कौवे भाई, वो कछुआ, कछुए को। क्या हुआ कछुए को? उसे वो किसान पकड़ कर ले गया। घबराओ नहीं चूहे भाई, चलो हिरण के पास चलते हैं, हम तीनों मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। हाँ चलो 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 चलो, चलो कौवे भाई, जल्दी से चलो। दोनों मित्र हिरण के पास पहुंचे। कौवे ने हिरण से कहा, हिरण भाई, हिरण भाई। अरे घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? किसान कछुआ भाई को पकड़कर ले जा रहा है। अच्छा, तब तो हमें जल्दी से कछुए को मुक्त कराना चाहिए। लेकिन हम किसान से कछुए को कैसे छुड़ा सकते हैं? किसान ने तो कछुए को थैले में बंद कर रखा है। ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, ये ठीक है, मैंने एक उपाय सोच लिया है। वो क्या? मैं रास्ते में लेट जाऊंगा और सांस बंद कर लूंगा, ऐसे। फिर? किसान मुझे मरा हुआ समझकर थैले को जमीन पर रखकर मुझे उठाने के लिए दौड़ेगा। और कछुआ थैले से निकलकर खेत में छिप जाएगा, है ना? हाँ, और कौवे भाई, जब किसान मुझे पकड़ने के लिए आने लगे तभी तुम मुझे आवाज देकर सावधान कर देना, मैं उठकर दूर भाग जाऊंगा और इस तरह कछुआ भी मुक्त हो जाएगा। हाँ हाँ हिरण भाई, ये उपाय बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी कर।
हिरन भाई, किसान आने ही वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान तुम्हें देख ले। हाँ हाँ भाई, मैं यहीं रास्ते में लेट जाता हूँ और हिरन भाई, उसने थैले को नीचे रख दिया। अब वो भाग कर यहीं आ रहा है। चूहे भाई, तुम कछुए के साथ खेत में छिप जाओ। अच्छा, मैं तो जाता हूँ और तुम भी उड़ जाओ। हाँ हिरन भाई, तुम भी भागो। अच्छा कौवे भाई, तो दोस्तों, जैसे ही थैले को जमीन पर रखकर किसान हिरण को उठाने दौड़ा, कछुआ थैले से निकलकर खेत में जाकर छुप गया। हिरण भी किसान के हाथ नहीं आया। इस तरह चारों मित्रों ने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई। अब चारों खुशी खुशी जामुन के पेड़ के पास चले गए और खुश होकर गाने लगे। जंगल हमें है सबसे प्यारा, जंगल हमें है सबसे प्यारा, हम सब मिलकर रहते, हम सब मिलकर रहते। जो मिलता है बाट के खाते, जो मिलता है बाट के खाते, हम सब मिलकर रहते, हम सब मिलकर रहते। जंगल हमें है सबसे प्यारा, हम सब मिलकर रहते।